नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत आपका स्वागत है, अभिनंदन है। मैं अभिनव द्विवेदी, कला संकाय प्रतिनिधि, छात्र संघ इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय। अगर आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय में दाखिला लेना चाहते हैं और आपने CUET UG का फॉर्म भर दिया है या आपने अभी तक फॉर्म को नहीं भरा है तो कुछ बातों का विशेष ध्यान देना आपको बहुत जरूरी है। विशेष ध्यान देने का मतलब मैं ये क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जब CUET का एंट्रेंस हो रहा है, पिछले साल बहुत सारे छात्र छात्राओं ने बहुत सारी गलतियां की थी जिनका खामियाजा उनको बाद में भुगतना पड़ा था। यानी कि आप जब सबसे पहले फॉर्म को फिलअप करते हैं तो जो बेसिक क्राइटेरिया रहती है, जब आपको उसकी जानकारी नहीं रहती है तब आप बहुत बड़ी गलती कर देते हैं, और जब आप गलती कर देते हैं तो उसकी भरपाई आपको कभी भी नहीं आप कर सकते। मेरा कहने का मतलब यह है कि जब आप एंट्रेंस की परीक्षा का फॉर्म भरने जाइए, यानी कि 4 कुल मिलाकर 16 कोर्सेज की प्रवेश परीक्षा इस बार CUET UG ले रही है इलाहाबाद विश्वविद्यालय की। पिछले साल 8 कोर्स थे, इस बार 8 कोर्स और ऐड हो गए हैं। उस 8 कोर्स में प्रोफेशनल कोर्स के भी कोर्स ऐड हुए हैं। इसके पहले BA, BSc, BCom, BA, LLB, BFA और BPA की प्रवेश परीक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने CUET UG के अंतर्गत ली थी। इसके फॉर्म की आखिरी डेट 30 मार्च है। तो अभी तक आपने अगर फॉर्म को भरा है तो बहुत अच्छी बात है, और फॉर्म को नहीं भरा है तो जाके आप फॉर्म भर दीजिए। अब जो मेन मुद्दा है इस वीडियो के माध्यम से, मेन मुद्दा ये है कि आप ऐसी गलती ना करिए कि जिसका बाद में आपको परिणाम बहुत बेहतरीन तरीके से भुगतना पड़े। मेरा कहने का मतलब ये है कि जब आप फॉर्म को भरते हैं तो फॉर्म में 3 सेक्शन होते हैं। अब सेक्शन वाला काम हटा दिया गया है। जितने भी कोर्स हैं उसमें दो चीज कॉमन होने का मतलब ये है कि जब आप एंट्रेंस की प्रवेश परीक्षा देने जाएंगे तो आपके सामने प्रश्न पत्र आएगा। प्रश्न पत्र आप उसी हिसाब से करेंगे जिस तरीके से आपने फॉर्म को भरा है। इसका मतलब ये है कि सबसे पहले आपके लिए कंपलसरी है लैंग्वेज का सेक्शन। पहला सेक्शन लैंग्वेज का है, दूसरा सेक्शन डोमेन सब्जेक्ट का है, और तीसरा सेक्शन आपका है जनरल टेस्ट का। तो जितने भी फॉर्म हैं, जितने भी 16 कोर्स की प्रवेश परीक्षा CUET UG के अंतर्गत इलाहाबाद विश्वविद्यालय ले रहा है, इसमें दो चीजें कॉमन है। यानी कि जो पहला सेक्शन लैंग्वेज का है उसमें कंपलसरी है आपको एक लैंग्वेज, चाहे आप हिंदी चूज करिए चाहे आप इंग्लिश चूज करिए। जो तीसरा सेक्शन जनरल टेस्ट का है वो कंपलसरी फॉर ऑल कोर्स, यानी सभी कोर्स के विद्यार्थियों को जनरल टेस्ट के सवाल को अटेम्प्ट करना है। ये कंपलसरी है, अगर आप अटेम्प्ट नहीं करेंगे, अपने फॉर्म में आपने अभी तक नहीं भरा है तो करेक्शन की भी डेट आएगी, तब आप उसमें एडिट कर लीजिएगा। लेकिन लैंग्वेज आपके लिए कंपलसरी है और जनरल टेस्ट आपके लिए कंपलसरी है। अब हम बात करते हैं डोमेन सब्जेक्ट की। डोमेन सब्जेक्ट में अलग अलग कोर्स के लिए अलग अलग क्राइटेरिया है। जैसे कि BA कोर्स के लिए 8 डोमेन में से आपको 2 डोमेन चूज करना है, BSc के लिए आपको 2 डोमेन चूज करना है, BSc होम साइंस के लिए आपको 1 डोमेन चूज करना है, BLLB के लिए आपको लीगल स्टडीज 1 डोमेन चूज करना है, BCom के लिए भी आपको 1 डोमेन चूज करना है, BFA और BPA के लिए भी आपको 1-1 डोमेन चूज करना है। उसकी सबकी वीडियो मैं इसी चैनल पे अपलोड कर दे रहा हूँ, आप उसको जाके अच्छे से देख लीजिए। हम फॉर्म को कैसे भरें, फॉर्म में हम ये बेसिक गलतियाँ ना करें जिससे कि हम उसी हिसाब से अपनी तैयारी को करें। ये गलतियाँ आप और भी केंद्रीय विश्वविद्यालयों के प्रवेश परीक्षा में करेंगे, यानी फॉर्म को भरते समय। तो आपको सिंपल सा कोई गलती नहीं करनी है। आपको सबसे पहले NTA का उस वेबसाइट पे CUET UG के फॉर्म को खोलना है, उसमें आपको इलाहाबाद यूनिवर्सिटी प्रेफरेंस में भरना है। प्रेफरेंस के साथ साथ आप जब फॉर्म के अंदर एंट्री करेंगे तो आप अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन उसमें भरेंगे। इसके साथ साथ जरूरत ये थी कि हम परीक्षा का जो पैटर्न है विश्वविद्यालय के ब्रोशर्स में क्या गया है, कहा गया है, उसी हिसाब से अपने फॉर्म को हम भरें। तो उसमें सबसे पहले आपको सीधे साफ शब्दों में उसकी समरी ये है कि एक लैंग्वेज कंपलसरी है, हिंदी या अंग्रेजी में से। डोमेन सब्जेक्ट की अलग अलग क्राइटेरिया है, वो आपको वीडियो जब आप देखेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। और तीसरी बात है जर्नल टेस्ट सबके लिए कंपलसरी है, तो इस हिसाब से आप अपने फॉर्म को भरिएगा। फॉर्म को भरते समय अपनी जो इन्फॉर्मेशनल एरर है उसको ना करिएगा। करेक्शन की भी डेट आएगी जो कि 30 मार्च के बाद फिर करेक्शन की भी डेट NTA जारी करेगी, तो आप फॉर्म को करेक्ट कर लीजिएगा। अगर आपने कोई गलती की है तो उसको जरूर सुधार कर लीजिएगा। इसके साथ साथ और भी अपडेट के साथ आप जुड़े रहिए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी लाइव के साथ। हमारे इंस्टाग्राम के पेज को फॉलो करिए, हमारे टेलीग्राम के पेज को फॉलो करिए। बाकी आप अभिनव द्विवेदी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के इस चैनल पे जुड़े हैं तो आपको सबसे पहले सबसे सटीक इलाहाबाद विश्वविद्यालय की सूचना आपको मिलती रहेगी। आपकी कोई भी व्यक्तिगत सवाल हो तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरी खुद की पर्सनल आईडी इंस्टाग्राम की इस कमेंट बॉक्स में पिंड है। बाकी आप सब हर एक प्लेटफॉर्म से जुड़िए। आपको आपके उज्ज्वल भविष्य की बहुत बहुत ढेर सारी बधाइयां और शुभकामनाएं। धन्यवाद।